الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى। अल्लाह ताला ने तकरीबन 1.25 लाख अंबिया इकराम दुनिया के अंदर भेजे। हर नबी को अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल चीज इनायत फरमाई जिसको हम कह सकते हैं मोजिजा, कोई करामत। हर नबी को अलग अलग इनायत फरमाया अल्लाह ताला ने। कुरान में लिखा तिलका रसूल फजलना बाज़हुम अला बाज़। ये जो रसूल हैं बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत है, कोई किसी में एक्सपर्ट है, कोई किसी के अंदर एक्सपर्ट है। ऐसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह मौजज़ा इनायत फरमाया था कि उनको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, जिसकी वजह से लोगों को यह शुबा हो गया कि ये अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसाई लोगों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा, लेकिन यहूदियों ने, जिन यहूदी लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा था, उन यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। कुरान में लिखा है वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी लोगों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाइयों ने कहा कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो बातचीत हुई है, लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के एक बड़े जबरदस्त नबी हैं, जिनका कुरान शरीफ के अंदर जो है वो नाम आया है, 1.25 लाख अंबिया किराम में से सिर्फ 25 अंबिया किराम का नाम कुरान शरीफ के अंदर आया है, लेकिन उन 25 में से एक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। लेकिन इनके साथ में भी कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि अल्लाह ताला ने 100 साल तक इनको सुलाए रखा और 100 साल के बाद में तो फिर दोबारा उठ गए। उसी कंडीशन में 100 साल पहले जिस कंडीशन में, जिस उम्र में वो सोए थे, 100 साल के बाद में उसी कंडीशन में, उसी उम्र में फिर उठ गए। एक मतलब ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहे थे अपनी जमीनों पर, अपनी अपनी हवेलियां, जमीन, अपनी जायदाद वगैरह पर कहीं जा रहे थे। जब वापस उधर से आने लगे तो एक खंडर था जहां पर बहुत पुराने पुराने मकान बने हुए थे, वहां पर जरा रुक गए कि भाई यहां पर बैठकर थोड़ा खाना वाना खा लें। गधे का, गधे की सवारी थी, गधे पर सवार थे, गधे को वहां पर रोका और दस्तरखान वगैरह लगाया और कुछ अंगूर फ्रूट कुछ खाना वगैरह मौजूद था, गधे को बांध दिया और जरा लेटने जैसे अंदाज में थोड़ा सा पैर लंबे कर दिए कि थोड़ा आराम कर लूं। और जब लंबे जरा हो गए तो जब खंडर के ऊपर जो है नजर पड़ी तो ये ख्याल आया कि ये जो खंडर है न जाने सैकड़ों साल इनको हो गए हैं और इनके अंदर जो लोग रहा करते थे, जो बस्ती यहाँ पर बसा करती थी, उसका आज नामो निशान नहीं है, वो सब खत्म हो गई हैं, उनकी हड्डियां तक जो है वो सुरमा बन गई हैं, फिर अल्लाह ताला इन सबको कैसे जिंदा करेगा। एक ख्याल, बस एक ख्याल दिल के अंदर आया, शक नहीं कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा, एक ख्याल दिल में आया कि ये सब कैसे होगा। बस वो ये सोच ही रहे थे, दस्तरखान लगा हुआ था, खाना तैयार था, गधा भी पास में खड़ा हुआ था, ये सोच ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद को तारी कर दिया, नींद आ गई हूं, नींद तारी कर दी। और उसके बाद में जब दोबारा उनकी नींद खुली तो खाना रखा हुआ था, उनको ऐसा लगा कि मैंने 2-4 घंटे आराम कर लिया है, मुझे नींद आ गई थी 3-4 घंटे के बाद, यानी मैं जब सोया था तो कोई दोपहर का वक्त था, 11-12 बजे का वक्त होगा। अब जब नींद खुली है तो ऐसा लग रहा है कि 4-5 बज गई है, तो 2-4 घंटे में सो लिया हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत जिब्राइल ने कहा कितनी देर सोए, तो हजरत यहां उस हजरत उज़ैर ने कहा लबिस तु यौमन और बाज़ा यौम, दिन का थोड़ा सा हिस्सा, 2-4-6 घंटे में सोया हूं बस। तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि नहीं, आपको यहां पर 100 साल हो चुके हैं, आपको सोए हुए 100 साल हो चुके हैं। 100 साल हो गए, बात समझ में नहीं आ रही। देखो खाना, खाना वैसा का वैसे ही लगा हुआ है,
ये अंगूर है, ये फ्रूट है, ये खाना है, किसी खाने के अंदर कोई बदबू नहीं, कोई सड़ांध नहीं, कुछ भी नहीं, खाना वैसे के वैसे रखा हुआ है। लम यतसन्ना, खाना खराब नहीं हुआ। लेकिन वंजुर इला हिमारी का, अपने गधे को देखो, जब गधे को देखा तो गधे का तो वहां नामो निशान नहीं, कोई बहुत पुरानी है बोसीदा, कुछ खाल, कुछ बाल, कुछ हड्डियां बोसीदा, बिल्कुल पुरानी सुरानी सी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई हैं, जैसे कोई बहुत पुराना जानवर जो है मर गया और उसकी हड्डियां वैसी पड़ी रहती हैं। इस तरीके से बहुत कोई पुरानी हड्डियां जो है बोसीदा किस्म की हड्डियां वहां पर पड़ी हुई। हजरत जिब्राइल ने कहा कि देखो ये गधा है, इसको 100 साल हो गए मरे हुए, लेकिन खाना तुम्हारा अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, खराब नहीं हुआ, जरा भी खराब नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है कि खाना 100 साल में खाने के अंदर जरा भी फर्क नहीं आया है, और आपकी अपनी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। 100 साल तक आप यहां पर लेटे रहे, लेकिन आपके जिस्म के अंदर कोई फर्क नहीं आया, आपकी सेहत में, आपकी तंदुरुस्ती में, आपकी उम्र में कोई फर्क नहीं आया। फर्क देखना तो देखो इधर, ये गधा मर गया, मरने के बाद वो सड़ा है, सड़ने के बाद में उसका गोश्त तिया पाचा हो गया, सब कुछ हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, मिट्टी हो गया है, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी जो है वो सुरमा बन गई। अब ख्याल जो ये था कि अल्लाह ताला अन्ना युही हाजिल्ला बादा मौतिया, अल्लाह ताला दोबारा कैसे जिंदा करेगा, तो अब देखो हम तुम्हें दिखाते। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस गधे को देखते रहे, और अल्लाह ताला ने देखते ही देखते वो सारी हड्डियां इस तरीके से इकट्ठी हुई और खाल और ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आजकल जैसे हमें टीवी के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक पौधा निकलता है, और जमीन के अंदर से पौधा निकलते निकलते एकदम ऊपर आता है और उसके अंदर से पत्ते निकलना शुरू होते हैं और वो फूल निकलना शुरू होता है। यानी जो काम महीनों के अंदर होता है वो टीवी के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि कुछ सेकंडों के अंदर जो है वो अंजाम पा जाता है। जब दुनिया वाले ऐसा कर सकते हैं, हालांकि दुनिया वालों ने किया नहीं है, वो तो एक कैमरे का कमाल है, या मतलब कि आज की टेक्निक का कमाल है, लेकिन अल्लाह ताला वैसा कर सकता है, अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने फौरन उस गधे को जिंदा फरमाया। उन्जुर इला हिमारिका, अब अपने गधे को देखो। वलिनजअलक आयतल लिन्नास, वन्जुर इला हिमारिका वन्जुर इलल इज़ाम कैफ नुन्शिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। अब देखो हड्डियों के ऊपर हम कैसे गोश्त चढ़ाते हैं और कैसे उसके ऊपर खाल चढ़ाते हैं। तो देखते ही देखते एक बिल्कुल गधा तैयार हो गया, और गधा तैयार हो गया और बिल्कुल जानदार गधा तैयार हो गया, और हिलने डुलने लगा और हिनाने लगा, बोलने लगा। قال اعلم ان الله على كل شيء قدير। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आंखों से देखा तो कहने लगे गो मुझे बात सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। ان الله على كل شيء قدير, अल्लाह इज एबल टू डू ऑल थिंग्स, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अब ये सब देखने के बाद में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो भी खाना वाना जो भी करना था वो किया, उसके बाद वहां से अपनी बस्ती में अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब घर की तरफ रवाना हुए, जब वहां पर अपने घर पे वो पहुंचे हैं, तो पता चला कि सारा माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल सारा माहौल बदल गया, मकानात बदल गए हैं, गली कूचे बदल गए हैं, इंसान वो नजर नहीं आ रहे हैं जो उनके जमाने में हुआ करते थे। उनके घर के बाहर देखा तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वो उनके घर के बाहर जब बूढ़ी अम्मा को देखा तो बूढ़ी अम्मा से पूछा कि भाई आप ये क्या उज़ैर का मकान है? तो बूढ़ी अम्मा तो चौंक गई, उज़ैर, आज उज़ैर का नाम कैसे आ गया? उज़ैर तो इसी घर का एक बच्चा था, एक फर्द था, और वो खो गया था, उसको खोए हुए 100 साल हो गए, लोग भी भूल गए, उसका तज़किरा तक लोग भूल गए, तुम कौन हो जो उज़ैर के बारे में तलाश कर रहे हो, पूछ रहे हो? हजरत उज़ैर ने कहा कि अम्मा मैं उज़ैर हूं। हालांकि जिस वक्त हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां से गए थे, उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन
40 साल थी। और ये जो बूढ़ी अम्मा यहां पर बैठी हुई हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 125 साल थी, 120 साल 125 साल उम्र थी उनकी, उनसे जब मालूम किया तो उनकी उन्होंने कहा कि मैं तो इस घर की एक बांदी और नौकरानी हुआ करती थी, इसी घर की बांदी और नौकरानी हुआ करती थी, हमारा एक बच्चा खो गया था उसे और उसका अब तक कोई पता नहीं और लोग तो सब भूल गए। हजरत उजैर ने कहा कि अम्मा वो उजैर मैं ही हूं। अम्मा ने कहा कि उजैर, उजैर तो बहुत अल्लाह वाला आदमी था, बहुत साले, बहुत नेक आदमी था और वो तो मुस्तजाब दावा था, जो भी दुआ अल्लाह ताला से किया कर दिया करता था, वो दुआ कबूल हो जाया करती थी। अगर तू उजैर है तो मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तो बुढ़ी हो गई हूं और मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया है और मैं तो अंधी हो गई हूं, मेरे लिए दुआ कर दे ताकि मैं देखकर बता सकूं कि तू ही उजैर है या कोई और है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और उनकी आंखें वापस आ गई, आंखों की रोशनी वापस आ गई। सिर्फ आंखों की रोशनी ही नहीं, हजरत उजैर ने जब उनके ऊपर हाथ फेरा है तो वो उनकी उम्र भी वापस आ गई, यानी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। जो बूढ़ी औरत खड़ी नहीं हो सकती थी, खड़ी होने में जिनको दिक्कत आया करती थी, वो औरत अब बिल्कुल एकदम भली चंगी खड़ी होकर चलने के लिए तैयार और नजर भी आ रहा है। और फौरन हजरत जुबैर को जब हजरत उजैर को जब देखा तो फौरन कहा कि हाँ वाकईतन तू तो उजैर ही है, 100 सालों से तू कहां गायब था। अल्लाह ताला ने मुझे सुला दिया था, अल्लाह ने मुझे मार दिया था और सुलाने के बाद में 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर मुझे जिंदा कर दिया, फिर से उठा दिया। फिर वो अम्मा जान हजरत उजैर को लेकर एक चौपाल पर, जहां पर बहुत सारे लोगों की बैठक हुआ करती थी, वहां पर गई। वहां पर देखा कि एक बड़े मियां, बहुत सारे बूढ़े लोग थे लेकिन एक बड़े मियां जिनकी उम्र 118 साल थी। अम्मा ने कहा कि ये जो बड़े मियां बैठे हैं ना 118 साल के, ये उजैर का बेटा है, उजैर का बेटा। हजरत उजैर से जब उन्होंने कहा, हजरत उजैर उस बेटे से जब कहा कि ये तुम्हारे अब्बा है उजैर, तो उनको तो यकीन नहीं आया, किसी को भी यकीन नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बाप 40 साल का और बेटा 118 साल का। बाप तो जवान है और बेटा तो 118 साल का बूढ़ा हो गया है। जब उनको सारी बात बताई गई कि हाँ मैं ही उजैर हूं और मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह ने मुझे 100 साल के लिए सुला दिया था, तो बेटे ने कहा कि मेरे जो अब्बा थे ना उजैर, उन दोनों के उनके इन दोनों कांधों के बीच में पीछे एक काला निशान था, जरा आप बताइए आपके काला निशान है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने जब बताया तो वाकईतन वैसा ही दोनों कांधों के दरमियान में एक निशान मौजूद था। तब कहीं जाकर उन लोगों को यकीन आया, बेटे को तो यकीन आ गया, लेकिन जो दूसरे लोग बनी इसराइल के वहां पर बैठे हुए थे वो कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तौरात का कोई भी हाफिज नहीं था और बख्ते नसर ने उस सारी तौरात को बर्बाद कर दिया, उसने जला दिया है तौरात को। तौरात का अगर कोई हाफिज था तो वो एक ही था और उसका नाम था उजैर। अगर तुम उजैर हो तो तौरात तुम्हें याद होना चाहिए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने तौरात बिल्कुल सुना दी, उनके हाँ बिल्कुल तौरात मुझे मालूम है कि अगर तुम उजैर हो तो तौरात हमें दोबारा लिख दो। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने एक पेड़ के नीचे बैठकर उन लोगों के दरमियान में रहते हुए तौरात लिखकर तैयार कर दी। जब तौरात तैयार हो गई और उन लोगों ने देखा वाकईतन ये तो वही किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई है, बिल्कुल वही किताब इन्होंने लिख दी है, तो उनको यकीन नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पूरी की पूरा तौरात का हाफिज हो। तो उनको इस वक्त यहां पर जो है वो शुबा हो गया कि वो ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि ये भी अल्लाह का बेटा है। हजरत उजैर तो अल्लाह का बेटा है, ये इंसान आम आदमी नहीं है। तो जिस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को या उस जमाने के लोगों को यह शुबा हो गया था कि बगैर बाप के कोई पैदा नहीं हो सकता, अगर हजरत ईसा पैदा हुए हैं तो ये हजरत ईसा के बाप अल्लाह है और अल्लाह ईसा अल्लाह का बेटा है, इस तरीके से इन यहूदी लोगों ने यह कहा कि इस तौरात का कोई हाफिज हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई है तो वो उजैर है और उजैर ने सारी की सारी तौरात सुना दिए, इसका मतलब तौरात एक आम आदमी नहीं है बल्कि उजैर भी अल्लाह का बेटा है। एक आदमी ने तौरात को हिफ्ज कर लिया तो लोगों को यह शक और शुबा होने लगा कि इतना ऊंचा काम वही कर सकता है, वो तो यकीन अल्लाह का बेटा है। मेरे भाइयों, कुरान करीम हमारे सीनों में महफूज है,
आज अल्लाह की किताब आखिरी किताब कुरान करीम जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, 23 साल के टाइम में 22 साल 5 महीने 14 दिन लगे कुरान करीम को नाजिल होने में, न जाने कहां कहां किया है, और सब 6236 आयतें हैं कुरान शरीफ के अंदर। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे, मामूली मामूली छोटे छोटे बच्चे जो है कुरान करीम को अपने सीनों के अंदर महफूज कर लेते हैं, और सिर्फ दो चार नहीं, इस दुनिया के अंदर इस वक्त करोड़ों की तादाद में, हाँ करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सीनों के अंदर अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ महफूज है। लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि इनके सीनों के अंदर कुरान शरीफ महफूज है, इनको कुरान करीम याद है, तो ये कोई अल्लाह के बेटे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये तो अल्लाह ताला का मौजिजा है कि कुरान का कोई तौरात का कोई हाफिज नहीं और इंजील का कोई हाफिज नहीं, जबूर का कोई हाफिज नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम कुरान करीम के लाखों करोड़ों की तादाद में हाफिज मिल जाएंगे। इसलिए कि तौरात की, जबूर की, इंजील की अल्लाह ने गारंटी नहीं ली थी, लेकिन कुरान शरीफ की अल्लाह ने गारंटी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने कुरान करीम को नाजिल किया है तो इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे, और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कर रहा है माशाल्लाह।